मंदिर मस्जिद मुस्लिम हिंदू और लव जिहाद घर वापसी ऐसे इश्यूज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। विकास के मुद्दे पर सपोर्ट करने की मुस्लिम आरक्षण की मांग करेंगे बिल्कुल। मैं लिख के दे रहा हूँ कि एनसीपी और कांग्रेस ने पहले वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तब इस्माइल यूसुफ कॉलेज मुसलमानों के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये जमीन सर यूसुफ जो मुस्लिम थे उन्होंने माइनॉरिटी के लिए खरीदा था, वो सरकार ने कब्जा किया, वो वापस करने का मैंने कहा ये वापस होना चाहिए। जो रिजर्वेशन है एनसीपी कांग्रेस ने अप्रूव दिया था, बीजेपी ने खत्म किया, अब फिर सरकार आ रही है, उद्धव जी ने कहा था रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमारी ये मांग होगी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अबू काज़मी का ये बयान हालांकि 22 नवंबर का है, जिसमें अबू काज़मी कह रहे हैं कि सपा शिवसेना को समर्थन तब देगी जब शिवसेना मुस्लिम पक्ष का ख्याल रखेगी, हिंदू मुस्लिम की नहीं बल्कि समाजवादी सिद्धांतों को मान्य करेगी। लेकिन अब जरा 25 नवंबर की शाम की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। इन तस्वीरों में उद्धव ठाकरे हैं, एनसीपी के पितामह शरद पवार हैं और साथ ही वो 162 विधायक हैं जिन्होंने गठबंधन के साथ जीने मरने की कस्में खाई। और इन्हीं 162 विधायकों की भीड़ में दो ऐसे चेहरे हैं जो कुछ दिन पहले शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लेकिन अब शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के शक्ति प्रदर्शन में गठबंधन के साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए नजर आए। ये कहते हुए नजर आए कि ना हम डरेंगे और ना हम बिकेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सपा के दो विधायक भी शिवसेना के साथ खड़े नजर आए। अव्वल तो महाराष्ट्र में सपा का खाता ही शिवाजी नगर और भिवंडी ईस्ट दो सीटों पर खुला, दूसरा सोने पर सुहागा ये हुआ कि सपा की ये दोनों विधायक शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के अन्य दूसरे विधायकों के साथ गठबंधन का साथ देते हुए नजर आए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिवसेना के साथ अखिलेश यादव क्यों खड़े हैं, क्यों महाराष्ट्र में सपा के दोनों विधायक गठबंधन में शामिल हो गए। दरअसल इस किस्से को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, जब शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अखिलेश यादव की तारीफ करते नहीं थकते थे। मैंने बीच में देखा कि वो जो रास्ता उन्होंने बनाया मैंने टीवी पे देखा वो कि उसके ऊपर लड़ाकू विमान वो भी टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते, अच्छी बात। अखिलेश काम अच्छा कर रहे, अखिलेश को एक ये मिलना चाहिए और अखिलेश नौजवान। ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू कि उद्धव ठाकरे के मन में अखिलेश यादव के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, लेकिन अगर सिक्के के दूसरे पहलू पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि सपा के पास महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि बीजेपी के साथ अखिलेश यादव जा नहीं सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद किया हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी की तारीफ में भला कसीदे कैसे पढ़ सकते थे, और फिर हवा महाराष्ट्र में पूरी तरीके से गठबंधन की तरफ थी, इसलिए सपा अध्यक्ष हवा के खिलाफ ना जाकर वे भी महाराष्ट्र की गठबंधन की तरफ बहती हुई हवा के साथ उड़ चले। आपको तो सवाल ये पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कह रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कह रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जिन मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली थी और आज उनका काम रोका जा रहा है। महाराष्ट्र गठबंधन पे क्या गठबंधन विचार करेंगे आप? हमारी संख्या तो दो है, गवर्नर हमें तो नहीं बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र में सरकार कोई ना कोई गठबंधन के रूप में सरकार दिखाई देगी। मंदिर मस्जिद मुस्लिम हिंदू और लव जिहाद घर वापसी ऐसे इश्यूज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। विकास के मुद्दे पर सपोर्ट करने की मुस्लिम आरक्षण की मांग करेंगे बिल्कुल। मैं लिख के दे रहा हूँ कि एनसीपी और कांग्रेस ने पहले वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तब इस्माइल यूसुफ कॉलेज मुसलमानों के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये जमीन सर यूसुफ जो मुस्लिम थे उन्होंने माइनॉरिटी के लिए खरीदा था, वो सरकार ने कब्जा किया, वो वापस करने का मैंने कहा ये वापस होना चाहिए। जो रिजर्वेशन है एनसीपी कांग्रेस ने अप्रूव दिया था, बीजेपी ने खत्म किया, अब फिर सरकार आ रही है, उद्धव जी ने कहा था रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमारी ये मांग होगी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अखिलेश यादव के इन बयानों से साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र में सपा गठबंधन के साथ क्यों खड़ी है। दरअसल महाराष्ट्र में सपा अगर बीजेपी के साथ जाती है तो सपा के इस कदम से ना तो बीजेपी को फायदा होगा और ना ही सपा को। ऐसे में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहने में गठबंधन को फायदा हो या ना हो, लेकिन सपा को फायदा जरूर होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर,
और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।